किया है। तो इस अध्याय को देखना यह हमारे चिकित्सा व्यवहार की साधन की दृष्टि से, करण की दृष्टि से, अर्थात भेषज औषध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो इस अध्याय को देखते हैं, धन्वे साधारणे देशे। अब ये जो पूरा हमने चार श्लोकों का परिच्छेद पढ़ा, इसमें व्याकरण की दृष्टि से अगर हम क्रियापद देखेंगे, क्योंकि किसी भी श्लोक का अगर आपको अर्थबोध होना है तो आपको उसमें पहले क्रियापद कहां पर है वो देखना चाहिए। तो इसमें शस्यते ऐसा शब्द है, शस्यते यानी इट इज रेकमेंडेड, किस प्रकार का भेषज लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, किस प्रकार का भेषज प्रेफरेबल है, उपादेय है, स्वीकार्य है। शस्यते यानी जिसकी प्रशंसा की जा सकती है, एडमायरेबल है। शस्यते, प्रशस्यते, प्रशंसनीय, ऐसे शब्द आपको ज्ञात है। उसमें शस्यते, शस्यते अर्थात ग्राह्य करने योग्य, ग्राह्य ग्रहण करने योग्य, देशजम ऐसा भेषज प्रशस्यते, शस्यते स्वीकार्य करने योग्य होता है। कैसा? जातम, जन्मा हुआ, उत्पन्न हुआ, किस प्रकार से? तो वो ऊपर के दो श्लोकों में अर्थात चार पंक्तियों में अर्थात आठ चरणों में अर्थात 32 × 2 यानी 64 अक्षरों में वर्णित है। देखिए क्या क्या लिखा है, धनवे साधारणे देशे। तो भेषज का ग्रहण प्रायः ऐसे देश से करना चाहिए जो धनव देश है या साधारण देश है। धनव शब्द का अर्थ होता है जंगल, और साधारण शब्द का अर्थ होता है जो अनुप और जंगल नहीं है, ऐसा साधारण देश। तो भेषज का ग्रहण या तो जंगल देश से या साधारण देश से करे, अर्थात जो भूमि वात प्रधान, वात पित्त प्रधान इस प्रकार से है वहां से करे, या समदोष प्रधान है साधारण देश के रूप में वो, किंतु कफ प्रधान देश से, क्लेद प्रधान देश से, अनुप देश से भेषज न प्रशस्यते, ऐसे इसकी अर्थापत्ति हो सकती है। ये सर्वथा योग्य है ऐसे नहीं है, क्योंकि कुछ भेषज जो है वो अनुपदेश में ही मिलेंगे। कुछ कंद है, मुस्ता है, जो आपको अनुपदेश में ही मिलेगा। लेकिन यहां पर देश कहते समय स्थल कहां नहीं है, यानी धनव देश में भी, साधारण देश में भी अगर आपको अनुपदेश जन्य भेषज चाहिए तो धनव और साधारण देश में भी अनुपस्थल प्रदेश क्षेत्र हो सकता है। यानी मुस्ता एक कंद है जो दलदल में आता है, कीचड़ में आता है, तो अनुप ही हो गया ना, लेकिन वो पूरा देश अनुप नहीं होगा। धनव देश में, साधारण देश में जहां पर नदी बह रही है, जहां पर तालाब है, उसके किनारे जो थोड़ा प्रदेश अनुप सदृश है, क्लेद प्रधान है, जलाप्लावित है, आर्द्र है, वहां से आप उसका ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर धनव और साधारण देश से ही भेषज प्रशस्त होता है तो अनुप देश का तो सारा औषध बेकार हो गया, यानी कोंकण से तो हमने औषध लेना ही नहीं, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता है। कोंकण अनुप देश जरूर है, लेकिन कोंकण में भी कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जो धनव है, जो साधारण है। तो ये क्या होता है कि किसी शब्द का आप शाब्दिक अर्थ मत लीजिए, उसका शास्त्रीय अर्थ लीजिए, उसका उपयोगी अर्थ लीजिए, तो फिर आपका समाधान हो सकता है और आपका व्यवहार जो है वो सुकर होता है। केवल शब्द पांडित्य नहीं चाहिए। समय देश कैसा चाहिए? सम चाहिए, बहुत ऊंचा, बहुत डीप, ऐसे नहीं चाहिए। तो समतल भूमि होना प्रायः ग्रहण के लिए सुखकारक है। औषध तो क्या कहीं पर भी उग सकती है, हिमालय की चोटी पर भी उग सकती है, या सह्याद्री में जो बहुत डीप वैलीज है वहां पर भी उग सकती है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि औषध ग्रहण करते समय आपको अपघात न हो, संकट न हो, गिरना पड़ना, पतन आदि न हो, इसलिए सम देश से प्रायः, क्योंकि उस समय क्या था, औषधियों की संपन्नता, उपलब्धता, बाहुल्य अधिक प्रमाण में था। तो जैसा यहां पर क्राइटेरिया लिखा है वैसा हर औषध सम देश में भी उपलब्ध हो सकता था। फिर सन्मृत्ति के, जिस मृत्तिका से यानी जिस भूमि से आप उस औषध को ग्रहण करने जा रहे हैं, वो सन अच्छी मृत्तिका होनी चाहिए,
वरना वहां पर कीचड़ है, विष्ठा है, कचरा है, या फिर जल गया है, रक्षा है, तो वहां का जो प्रदेश है वो अगर मन को मंगलमय, पवित्र, अच्छा न लगे, कुछ उसमें से आपको देखने के बाद आपका मन विदास हो जाए, तो ऐसे मृत्तिका से, ऐसे देश से आपने औषध ग्रहण नहीं करना चाहिए। सन मृत्तिका का अर्थ है जो जहां पर जाने के बाद आपको लुक एंड फील अच्छा ना लगे। कुछ कुछ होता है जिसे हम आजकल वाइब कहते हैं कि कुछ क्षेत्र में जाते ही हमें अच्छे वाइब नहीं आते, कुछ क्षेत्र में जाने पर अच्छे वाइब आते हैं। कभी कभी कुछ मंदिरों में, प्रार्थना स्थलों में भी अच्छे वाइब नहीं आते, और कभी कभी किसी के घर में जाते तो भी अच्छे वाइब आते। ये डिपेंड्स कि वहां का आसपास का आसमंत कैसे, उस पर वो निर्भर करता है कि हमें ये सन लगे या दुर लगे। सन का अर्थ है अच्छा, सत्कर्म, सन्मान, वैसे सन। तो अच्छी मृत्तिका से और शुचि, वहां पर स्वच्छता भी होनी चाहिए।